नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 5 दिसंबर दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बिहार में सर्वेक्षण की प्रगति, बिहार सरकार जल्द जारी करेगी सर्वे सूची। 20 जिलों के बंदोबस्त पदाधिकारियों से मांगी गई डिटेल। वैभव सूर्यवंशी के धमाकेदार पारी से भारत की जीत, 6 छक्के और 3 चौकों के साथ 46 गेंदों में ठोका 76 रन। भारत की अंडर-19 एशिया कप। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे पुस्तक मेले का उद्घाटन। पद्मश्री शारदा सिन्हा और उषा किरण को समर्पित कार्यक्रम। बच्चों के लिए खास कार्यक्रम आयोजित। ट्रांसफर पोस्टिंग पर शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान। गंभीर रोग से ग्रसित शिक्षकों के लिए ट्रांसफर आवेदन 15 दिसंबर तक। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए सक्षमता परीक्षा के बाद। अन्य शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए नोटिफिकेशन सक्षमता परीक्षा के बाद। रेलवे ने आरएसी कोच में किया बदलाव। एसी कोच में आरएसी सुविधा बढ़ी। आरएसी यात्रियों को मिलेगा अलग अलग बेडरोल। बैंकिंग कानून में बड़ा बदलाव। बैंक अकाउंट में अब 4 नॉमिनी जोड़े जा सकेंगे। लॉकर होल्डर्स के लिए नया नामांकन। सचिन तेंदुलकर ने बेटी सारा को दी अहम जिम्मेदारी। सारा बनी सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन की डायरेक्टर। सारा तेंदुलकर का सामाजिक कार्यों में नया कदम। अब चलिए बढ़ते हैं 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेजुएट युवाओं के लिए 107 पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों में कोर्ट मास्टर यानी शॉर्ट हैंड के 31, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के 33 और पर्सनल असिस्टेंट के 43 रिक्तियां शामिल हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 4 दिसंबर से शुरू हो चुकी है। इन पदों के लिए विभिन्न शैक्षिक योग्यताएं और अनुभव की शर्तें हैं, जैसे कि शॉर्ट हैंड में दक्षता और टाइपिंग गति। आयु सीमा कोर्ट मास्टर के लिए 30 से 45 वर्ष और अन्य पदों के लिए 18 से 30 वर्ष निर्धारित की गई है। चयन प्रक्रिया में स्किल टेस्ट, लिखित परीक्षा और इंटरव्यू शामिल है। आवेदन फीस जनरल या ओबीसी के लिए ₹1,000 और एससी एसटी दिव्यांग के लिए ₹250 रखी गई है। बिहार में 20 अगस्त 2024 से शुरू हुई भूमि सर्वेक्षण के काम में अब महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। राज्य सरकार जल्द उन गांवों की सूची जारी करेगी जहां सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। 20 जिलों के बंदोबस्त पदाधिकारियों से डिटेल मांगी गई है। भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशक जे प्रियदर्शनी ने कहा कि इस काम से जमीन के मालिकाना हक को लेकर विवादों में कमी आएगी। सर्वेक्षण के पहले चरण में अररिया, बांका, बेगूसराय, जमुई, जहानाबाद, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मुंगेर, नालंदा, पूर्णिया, सहरसा, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण, सुपौल और अरवल जिलों में यह कार्य पूरा हो चुका है। अंडर-19 एशिया कप में भारत ने यूएई को हराकर शानदार वापसी की और इस जीत में वैभव सूर्यवंशी की धमाकेदार बल्लेबाजी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। सूर्यवंशी ने 46 गेंदों में 76 रन बनाकर टीम को महज 16 ओवर में 138 रन का लक्ष्य पूरा करने में मदद किया। उनकी आक्रामक पारी ने मीडिया और ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है। साथ ही आयुष महात्रे ने भी 51 गेंदों में 67 रन बनाकर भारतीय टीम को मजबूत शुरुआत दी। भारतीय गेंदबाजों ने यूएई को 137 रन पर समेट दिया था, जिससे टीम इंडिया ने बड़ी जीत दर्ज की और अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे रवीश कुमार की। रवीश कुमार एक प्रसिद्ध भारतीय पत्रकार, मीडिया व्यक्तित्व और लेखक हैं, जो एनडीटीवी इंडिया में वरिष्ठ कार्यकारी संपादक रह चुके हैं। उन्होंने अपने कार्यक्रम प्राइम टाइम, हम लोग और रवीश की रिपोर्ट के माध्यम से कई ज्वलंत मुद्दों की अभूतपूर्व कवरेज की है। उन्हें 2 बार रामनाथ गोयनका उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रवीश कुमार का जन्म 5 दिसंबर यानी आज के दिन बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में हुआ था। उनकी शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय और भारतीय जनसंचार संस्थान से हुई। उन्होंने कई महत्वपूर्ण सामाजिक राजनीतिक मुद्दों को कवर किया। हालांकि साल 2022 में रवीश कुमार ने एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया और फिलहाल वह रवीश कुमार ऑफिशियल के नाम से यूट्यूब चैनल चलाते हैं। तिरहुत स्नातक उपचुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 9 मतदान केंद्रों पर 6,603 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। डीएम विवेक रंजन मैत्रेय ने सभी बीडीओ और सीओ को मतदान के दौरान पूरी सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। 8 बजे से 4 बजे तक मतदान होगा और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जदयू के अभिषेक झा, राजद के गोपी किशन और निर्दलीय राकेश रोशन के बीच मुकाबला होने की संभावना है। जिला प्रशासन शांतिपूर्ण चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है।
पटना पुस्तक मेला 2024 का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों 6 दिसंबर को 3 बजे गांधी मैदान में होगा। यह मेला 6 से 17 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें 100 से अधिक कारीगर और लेखक भाग लेंगे। इस बार 3 गेट से प्रवेश की सुविधा रहेगी और विविध कार्यक्रम जैसे कथा कहानी, कला मुआयना, जनसंवाद और करियर काउंसिलिंग होंगे। मेला इस बार पद्म भूषण शारदा सिन्हा और पद्मश्री उषा किरण खान को समर्पित है। नए लेखकों किताबों की प्रदर्शनी और कई इन्फ्लुएंसर्स और कलाकारों की भागीदारी भी होगी। मेला का उद्देश्य शिक्षा, कला और साहित्य को बढ़ावा देना है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने ट्रांसफर पोस्टिंग पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि 1 से 15 दिसंबर तक आवेदन लिए जा रहे हैं, जिनमें विशेष तौर पर कैंसर, किडनी, हृदय रोग से ग्रसित शिक्षकों, दिव्यांग और व्यक्तिगत परेशानियों से जूझ रहे शिक्षकों से आवेदन लिया जा रहा है। वहीं अन्य शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए सक्षमता परीक्षा के सभी चरणों की परीक्षा खत्म होने के बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। वहीं जल्द ही सक्षमता परीक्षा 4 लिया जाएगा। TRE3 के 8वीं से 12वीं तक के रिजल्ट की घोषणा जल्द होगी। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि वेतन काटे गए शिक्षकों को पुनः वेतन मिलने के लिए आवेदन करना होगा। रेलवे ने RAC यानी कि रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन टिकट पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक अहम सुविधा की घोषणा की है। अब जब 2 यात्री एक सीट पर सफर करेंगे तो उन्हें अलग अलग बेड रोल मिलेगा, जिससे दोनों के बीच किसी भी तरह का विवाद नहीं होगा। पहले RAC टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों को केवल आधी सीट मिलती थी और उन्हें कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों के समान सुविधाएं नहीं मिलती थी। अब AC कोच में सफर करने वाले RAC यात्रियों को कन्फर्म बर्थ वाले यात्रियों की तरह 2 बेडशीट, 1 ब्लैंकेट, 1 पिल्लो और 1 तौलिया मिलेगा। यह निर्णय यात्रियों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। बिहार सरकार ने सिपाही भर्ती अभ्यर्थियों की मांगे मान ली हैं। पिछले कुछ दिनों से अभ्यर्थी पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे थे और उनकी मांग थी कि 2022 के पहले के दस्तावेज नहीं लिए जाएं। अब केंद्रीय चयन परिषद ने यह स्पष्ट किया है कि NCL और EWS सर्टिफिकेट की वैधता आज तक मान्य रहेगी। 9 दिसंबर से शुरू होने वाले शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी PET और दस्तावेज सत्यापन में इन प्रमाण पत्रों के लिए कोई कट ऑफ तिथि नहीं होगी। अभ्यर्थियों को अब चिंता करने की जरूरत नहीं है और इस फैसले के बाद उनमें खुशी का माहौल है। काउंटर पॉइंट रिसर्च द्वारा जारी किए गए 2024 की तीसरी तिमाही के आंकड़ों के मुताबिक एप्पल आईफोन 15 दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन है। इसके बाद आईफोन 15 प्रो मैक्स और आईफोन 15 प्रो का नंबर है। एप्पल के अलावा सैमसंग ने 5 मॉडल्स के साथ ग्लोबल टॉप 10 स्मार्टफोन लिस्ट में अपनी पकड़ बनाई है, जिनमें से गैलेक्सी A15 4G और 5G है। शायोमी का रेडमी 13C भी इस लिस्ट में शामिल है। आईफोन 15 की कीमत 64,900 रुपये से शुरू होती है, जबकि सैमसंग गैलेक्सी A15 4G की कीमत 12,990 रुपये से शुरू होती है। बिहार के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को अब सेवाकालीन प्रशिक्षण उनके वर्तमान जिले में ही मिलेगा, जिससे उन्हें अन्य जिलों में यात्रा करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह व्यवस्था जनवरी से लागू होगी और शिक्षकों को 1 सप्ताह पहले प्रशिक्षण की सूचना दी जाएगी। प्रशिक्षण के दौरान बायोमेट्रिक हाजिरी ली जाएगी, जिससे प्रशिक्षण पूर्ण होने पर प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इसके अलावा जहानाबाद में फर्जी कागजात के आधार पर नौकरी करने वाली महिला शिक्षिकाओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। शिक्षा विभाग ने डाटा अपलोड नहीं करने वाले शिक्षकों का वेतन रोकने की चेतावनी भी दी है। गया और बोधगया में मेट्रो परियोजना की शुरुआत होने वाली है, जो धार्मिक और पर्यटन स्थल होने के कारण अत्यधिक उपयोगी होगी। मेट्रो के रूट का सर्वे पूरा हो चुका है और अब रूट निर्धारण के लिए 6 दिसंबर को जिला मुख्यालय में DM डॉक्टर त्यागराजन SM की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक में विभिन्न जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठनों के सदस्य शामिल होंगे। मेट्रो के रूट में महत्वपूर्ण स्थल जैसे काली मंदिर, विष्णुपद मंदिर, बोधगया और मगध विश्वविद्यालय को टच किया जा सकता है। बिहार सरकार ने पहले ही मेट्रो परियोजना की मंजूरी दे दी है और पटना मेट्रो परियोजना मार्च 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। बिहार में शिक्षा विभाग ने आगामी 9 से 10 दिसंबर को मेगा आपार ID दिवस मनाने का निर्णय लिया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य भर के सभी छात्रों के लिए आपार ID यानी मेगा ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री का निर्माण करना है। यह आयोजन सभी जिलों के प्रखंड और स्कूल स्तर पर किया जाएगा और सभी छात्रों को इसमें अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत बिहार राज्य के प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, निजी विद्यालयों सहित
में अध्ययनरत सभी बच्चों का आपार आईडी बनाना आवश्यक है। यह काम इस महीने के अंत तक पूरा करना है। इसके लिए प्रत्येक जिले में एक मॉनिटरिंग सेल गठित की गई है, जो प्रतिदिन आपार आईडी की रिपोर्ट राज्य कार्यालय को भेजेगी। शिक्षा विभाग का उद्देश्य छात्रों की पहचान को डिजिटल रूप से सुनिश्चित करना और उनकी शिक्षा में सुधार लाना है, ताकि हर छात्र का शैक्षिक रिकॉर्ड सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध हो सके। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने जेईई मेन 2025 के लिए मॉक टेस्ट लिंक जारी कर दिया है। अभ्यर्थी अब एनटीए की वेबसाइट से विषयवार मॉक टेस्ट दे सकते हैं। जेईई मेन के सिलेबस के आधार पर लेक्चर www.nta.ac.in या लेक्चर्स कंटेंट वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। इस बार जेईई मेन में सभी प्रश्नों को हल करना होगा और न्यूमेरिकल वैल्यू प्रश्नों का नेगेटिव मार्किंग लागू की गई है। इसके साथ ही दोनों पेपरों में ऑप्शनल प्रश्न नहीं होंगे। बी आर्क और बी प्लान परीक्षा में क्रमशः 82 और 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। एनटीए ने आवेदन की स्क्रूटनी के लिए ऑफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल शुरू कर दिया है और 2 बार रजिस्ट्रेशन करने वालों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर में राम जानकी विवाह के पावन अवसर पर 2 दिवसीय कार्यक्रम 6 दिसंबर से प्रारंभ होगा। पहले दिन राम जानकी विवाह की संगीत में झांकी प्रस्तुत की जाएगी, जिसे मिथिला के कलाकारों द्वारा निभाया जाएगा। अगले दिन 7 दिसंबर को राम कलेवा का आयोजन होगा, जिसमें राम के ससुराल जनकपुर में भोजन करने की प्रस्तुति होगी। इस कार्यक्रम की तैयारी में महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने बताया कि यह परंपरा रामचरितमानस से जुड़ी हुई है और इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तों की उपस्थिति रहती है। बिहार में भूमि सर्वे के अंतर्गत राजस्व विभाग ने सोनपुर मेले में रैयतदारों के लिए सस्ते दर पर गांव का नक्शा उपलब्ध कराने के लिए स्टॉल लगाया है। इस स्टॉल पर लोग 150 रुपए प्रति शीट में अपने गांव का नक्शा प्राप्त कर रहे हैं। बीते दिन सुबह से ही दोनों काउंटरों पर लंबी कतारें दिखी और लोगों का औसतन 10 मिनट में ही नक्शा मिल रहा था। अब तक 2842 लोगों ने 7177 शीट्स के लिए आवेदन किया है, जिससे 10 लाख से अधिक की आय हुई है। नक्शे वसुधा केंद्र और वेबसाइट से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। भारतीय रेलवे ने सहरसा और आनंद विहार के बीच एक विशेष गरीब रथ ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है, जो यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए 31 दिसंबर तक चलेगी। गाड़ी संख्या 05577 सहरसा आनंद विहार गरीब रथ स्पेशल ट्रेन सहरसा से रात 8:30 बजे रवाना होगी और विभिन्न स्टेशनों जैसे सुपौल, दरभंगा, रक्सौल, सीतामढ़ी और अन्य स्थानों से होते हुए अगले दिन आनंद विहार पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन सुबह 5:15 में आनंद विहार से चलेगी और सहरसा 10:30 बजे पहुंचेगी। इस ट्रेन से बिहार से दिल्ली और उत्तर प्रदेश जाने वाले यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। बिहार में अगले 2 दिनों में ठंड बढ़ने का अनुमान है, जिससे कड़ाके की ठंड का एहसास होगा। मौसम विभाग ने 5 और 6 दिसंबर को बिहार के 21 जिलों में पछुआ हवा के कारण ठिठुरन वाली ठंड और घने कोहरे की चेतावनी दी है। इस बीच न्यूनतम तापमान 10 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। पटना, भोजपुर, बक्सर, सारण, वैशाली, सिवान और अन्य जिलों में कोहरे का असर रहेगा। बीते दिन रोहतास, पूर्वी चंपारण और गया जिलों में सबसे अधिक ठंड पाई गई, जहां न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री सेल्सियस था। इसके अलावा नवादा, रोहतास और मुंगेर में अधिकतम तापमान 30.9 डिग्री सेल्सियस रहा। शेखपुरा में बुधवार को उत्पाद विभाग की टीम ने रेलवे स्टेशन परिसर में छापेमारी कर एक महिला को गिरफ्तार किया। महिला के पास से 57 बोतल विदेशी शराब बरामद हुई। गिरफ्तार महिला की पहचान खुशबू देवी उर्फ प्रीति देवी के रूप में हुई, जो बरबीघा शहर की निवासी है। पुलिस के मुताबिक महिला ट्रेन से शराब की खेप अन्य राज्यों से लाकर शेखपुरा में बेचती थी। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक स्पेशल टीम का गठन किया था, जिसने किउल गया पैसेंजर ट्रेन से महिला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 35 लीटर शराब जब्त की है। भारत सरकार नागरिकों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड जारी करती है, जिससे गरीबों को सस्ती दरों पर राशन मिल सके। हालांकि राशन कार्ड का उपयोग करने के लिए कुछ नियम तय किए गए हैं। अगर कोई राशन कार्ड धारक लंबे समय तक राशन कार्ड का उपयोग नहीं करता तो उसका राशन कार्ड कैंसिल कर दिया जाता है, लेकिन अलग अलग राज्यों में इसकी समय सीमा अलग अलग है। उदाहरण के लिए, यदि बिहार में कोई व्यक्ति 3 महीने तक राशन कार्ड का उपयोग नहीं करता तो उसका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में यह अवधि 6 महीने है। राशन कार्ड कैंसिल होने के बाद उसे दोबारा सक्रिय करना पड़ता है।
सरकार ने बैंक खातों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जिसके तहत अब ग्राहक अपने बैंक अकाउंट में एक नहीं बल्कि चार नॉमिनी जोड़ सकते हैं। जी हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 पेश किया, जिसे मंजूरी मिल गई है। इससे पहले खाताधारक केवल एक नॉमिनी जोड़ सकते थे, लेकिन अब चार नॉमिनी की सुविधा दी जाएगी। वहीं लॉकर होल्डरों के लिए क्रमिक नामांकन का विकल्प रहेगा, जिससे पहले नॉमिनी की अनुपस्थिति में अगला नॉमिनी प्रभावी होगा। इस कदम से बैंकिंग सेवाओं में सुधार होगा और जटिलताएं कम होंगी। इसके अलावा सरकारी बैंकों के विलय पर सरकार का कोई विचार नहीं है। महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक के बाद गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन होगा। शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर यानी आज मुंबई में आयोजित किया जाएगा, जिसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी गुरुवार को यानी आज मुंबई के लिए रवाना होंगे। बीते दिन बुधवार को सीएम की सिक्योरिटी टीम रवाना हो चुकी है। यह दौरा एनडीए के एकजुटता का संकेत माना जा रहा है, खासकर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए। महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री पद के देवेंद्र फडणवीस का नाम तय हो चुका है। तेजस्वी यादव ने मुंगेर में अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं से संवाद किया और एनडीए सरकार पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने नीतीश कुमार को मुखौटा करार देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अब थक चुके हैं और उनके पास बिहार को आगे ले जाने का कोई विजन नहीं है। तेजस्वी यादव ने 2025 में सत्ता में आने पर बिहार के विकास का रोड मैप भी साझा किया। उन्होंने पेपर लीक पर भी सवाल उठाया और स्मार्ट मीटर को चीटर मीटर बताया। तेजस्वी यादव ने 200 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया और मुख्यमंत्री के संवाद कार्यक्रम पर तंज कसा। सचिन तेंदुलकर ने बीते दिन बुधवार को अपनी बेटी सारा तेंदुलकर को सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन का डायरेक्टर नियुक्त करने की घोषणा की। उन्होंने सोशल मीडिया पर सारा के साथ बच्चों की तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि वह बेहद खुश हैं कि सारा इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को संभाल रही हैं। सारा, जिन्होंने लंदन विश्वविद्यालय से क्लिनिकल और पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन से मास्टर डिग्री प्राप्त की है, अब खेल स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के माध्यम से भारत को सशक्त बनाने की दिशा में काम करेंगे। सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन की स्थापना 2019 में हुई थी और इसका उद्देश्य बच्चों का भविष्य सुधारना है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। आज के दिन 1999 में युक्तामुखी को विश्व सुंदरी का खिताब दिया गया। भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी को साल 1997 में आज के दिन यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया। 1993 में आज के दिन मुलायम सिंह यादव पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 1971 में भारत ने बांग्लादेश को एक देश के रूप में मान्यता दी। 1946 में भारत में होमगार्ड संगठन की स्थापना हुई। आज के दिन 1974 में रवीश कुमार भारतीय पत्रकार लेखक और मीडिया हस्ती का जन्म हुआ था। 1969 में अंजलि भागवत का जन्म हुआ था। 1950 में आज के दिन अरविंद घोष भारतीय लेखक का निधन हुआ था। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब पूछते हैं जो बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत, एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करेंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया है यह हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं। हमारा आज का पहला सवाल है, बिहार के किस जिले में अवरक पाया जाता है? ऑप्शन ए नवादा, ऑप्शन बी मुंगेर, ऑप्शन सी जमुई, ऑप्शन डी उपरोक्त में सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। आज का दूसरा सवाल है, बिहार का प्रथम उर्दू अखबार था? ऑप्शन ए नक्शे पायदार, ऑप्शन बी मैखान ई इल्हाम, ऑप्शन सी सिराते मुस्तकीन, ऑप्शन डी नुरूल अनवार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी नुरूल अनवार। आज का तीसरा सवाल है, बिहार हेराल्ड के संस्थापक थे? ऑप्शन ए महेश नारायण, ऑप्शन बी गुरु प्रसाद सेन, ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी कृष्णा सहाय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गुरु प्रसाद सेन। आज का चौथा सवाल है, तीनों नए आपराधिक कानून लागू करने वाली देश की पहली प्रशासनिक इकाई कौन है? ऑप्शन ए दमन दीव, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चंडीगढ़। आज का पांचवा और आखिरी सवाल है, बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त का क्या नाम है? ऑप्शन ए रुचिरा कंबोज, ऑप्शन बी तरनजीत सिंह संधु, ऑप्शन सी प्रणय वर्मा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रणय वर्मा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मोतीलाल कुमार, अनवर करीम खान, मुन्ना प्रसाद,
सुभाष चंद्र गोस्वामी, राम बाबूदास, संजीत कुमार, गौतम यादव, अतीक खान, रवि रंजन कुमार, विभा कुमारी और सीमा खातून और करण बाबू, सुमंत कुमार, धीरज कुमार, निशा खातून, संगम कुमारी और करण बाबू। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बैंक अकाउंट में नॉमिनी की संख्या बढ़ाने का सरकार का निर्णय आपके लिए कितना फायदेमंद होगा? अपना जवाब है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।